मैंने आर्ट फैकल्टी से आज पूरे बिहार में टॉप क्लियर करा है। और जब मैं कोचिंग जा रही थी इसी टाइम पर मुझे इस बात की खबर मिली, उसके बाद हम कोचिंग से रिटर्न आए और खुशी की तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने टॉप किया। और इससे भी ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा खुश हैं, मेरे पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे जो है पूरे 500 में 463 नंबर मिले हैं, पूरे 463 नंबर मिले हैं 500 में। और मुझे लग रहा है कि मैंने जितनी मेहनत करी मुझे आज उसका फल मिला है, सो मैं बहुत खुश हूँ। लॉकडाउन था, सारे इंस्टीट्यूट बंद थे, बावजूद आप टॉप किए, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कैसे मेहनत की? सर लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो चुका था, मैं इसलिए मैंने कोई कोचिंग कोई कॉलेज भी करने का मौका नहीं मिला ना, और ना ही कोचिंग तो मैंने ली ही नहीं, घर पे मैंने सेल्फ स्टडी की। और इसमें मेरे मम्मी पापा ने, मेरी दीदी ने सबसे ज़्यादा मदद की। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन हेल्प भी ली, जहाँ कहीं भी किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम हुआ, किसी सब्जेक्ट को समझने, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके लिए मैंने उन लोगों की मदद ली। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? जी आगे मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। क्या आईएएस बनना चाहती हैं या आईपीएस बनना चाहती हैं? जी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आपकी एक बड़ी बहन भी 2016 में टॉप की थी, उससे कितना क्या कुछ आपको प्रेरणा मिली? जी दीदी मेरी हमेशा से प्रेरणा मिली है, और हम दोनों बहुत ज़्यादा था एक हद, हम दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत सी चीज़ों में, सो हम दोनों उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में। इसके अलावा भी वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इस रिज़ल्ट का आप किन्हें श्रेय देना चाहेंगे? जी अपने मम्मी पापा को, कि आज मैं अगर आज मैंने टॉप किया है तो उन्हीं की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड करा। जी मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी ये दूसरी बच्ची बिहार टॉप की है। क्या लगता है, एक्सपेक्ट आप किए थे कि इस तरह का रिजल्ट आएगा? जी ये तो मेरा विश्वास था कि हमारी बच्ची, जब हमारी फर्स्ट बच्ची बिहार टॉप की थी, उसी तरह हमने इस बच्ची को भी तैयारी कराया। और इस तैयारी कराने के दरमियान जब पूरा बिहार लॉकडाउन था, पूरे कॉलेज शिक्षा संस्थान सब कुछ बंद थे, तो मैंने एक ही सहारा लिया, बच्चे को सेल्फ स्टडी कराया। और सेल्फ स्टडी कराने के बाद हम लोग जहाँ तक हुआ उसका मदद किए, मार्गदर्शन किए, और उससे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था तो ऑनलाइन यूट्यूब के सहारे, जिस लेसन में प्रॉब्लम होता था उस लेसन को यूट्यूब पर उसका वीडियो निकाल करके वो देखती थी और उसको सॉल्व करती थी। आप अपनी तीनों बेटी को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं अपने तीनों बेटी को वेल एजुकेटेड के रूप में देखना चाहता हूँ। बेशक एक वेल एजुकेटेड तभी होगा जब वह आईएएस बनेगा, आईएएस वही बच्चा बनेगा जब वह सुशिक्षित होगा। मानसी जैसे छोटे जैसे छोटे गांव में आपकी बेटी टॉप की, जी कितना बड़ा चुनौती था? सर अब कहता है कि दुनिया मुट्ठी में, आज हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं, है ना। हमने बड़ी बच्ची के लिए बहुत सारे किताब ऐसा है कि हम खगड़िया जाते थे और नहीं मिलता था, कहता था कि आज नहीं आएगा 10 दिन के बाद आएगा, और हमारी बच्ची ऑनलाइन कर देती है और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर किताब चला आता है। इसलिए अभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोई विशेष फर्क नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन के कारण जो है अब ग्रामीण क्षेत्र भी जो है शहर ही जैसा हो रहा है। अगर ऑफलाइन को हम माइनस करते हैं, ऑनलाइन की पढ़ाई करें, तो ऑनलाइन हम कहीं से भी हो सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विश्वम्बर प्रसाद।